हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी वेब और हमारी वेब की एक और नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, तो कुछ टाइम पहले जो है लाइव टीवी पे जो है एक एंकर से इन्होंने किस तरह की बदतमीज़ी की, तो आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। पीटीआई के रुकन असेंबली आमिर लियाकत खान का कहना है कि उन्होंने इमदादी पैकेज पर कोई तनकीद नहीं की, इमदादी रकम कम होने की निशानदेही की थी, जिसके बाद अब ये पैकेज बढ़ चुका है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, अब हमारे साथ लाइव है। सर बताएगा कि जो आपने एक तनकीद की है या क्या कहा, इस पर आप क्या कहते हैं? एंकर को, साथी एंकर को ये समझाया कि मेरा नाम आमिर लियाकत खान नहीं है, आमिर लियाकत हुसैन है। डॉक्टर आमिर लियाकत बोला, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिसे बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। आमिर लियाकत हुसैन नाम है मेरा, ठीक है? आमिर लियाकत ही बोला सर, आमिर लियाकत ने मेरा नाम रखा था, आमिर लियाकत खान नहीं। जी माजरत डॉक्टर साहब, माजरत आमिर लियाकत साहब, जी माजरत, जी माजरत, मैं माजरत कर रही हूं आपका नाम आमिर लियाकत हुसैन। बात ये कि आप लोग इस वक्त जो बैठकर फसाद फैला रहे हैं सब जगह पे, फसाद न फैलाए, लोगों के अंदर एतमाद और यकीन पैदा करें। ये एक क्लिप दिखाकर लोगों को गलत अंदाज पेश करना, ये एक गुफ्तगु निजी के मेरी और हीरा मानी के साथ जो हम लोग टेलीफोन पर इंस्टाग्राम लाइव सेशन में एक दूसरे बात कर रहे थे, लीक सोशल मीडिया की गुफ्तगु थी डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया की थी, तो ये पर्सनल थोड़ी हो सकती है, ये तो तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है, तमाम लोग देख रहे थे। पूरी बात सुने और उस सेशन के अंदर ये गुफ्तगु हो रही थी कि जनाब 3000 रुपए का ऐलान हुआ तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, पूरा देखिएगा लाइव सेशन। तो उसमें मैंने कहा लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोगों का कहना चाहिए 3000 रुपए में क्या होगा, जहर भी आ सकता है, फला चीज भी आ सकती है, फला चीज भी आ सकती है, लोगों का तो काम ही मजाक उड़ाना है, इसे कि 3000 रुपए में कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इसको लोगों ने वायरल किया और वायरल नेगेटिव थॉट के साथ किया कि शायद खुदा न खास्ता। मैं अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन कौमी असेंबली हूं, मैं अपनी जमात के साथ वफादार हूं, मैं इमरान खान की पॉलिसी के साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों से ना मुझे इमरान खान से दूर किया जा सकता है, ना मैं इमरान खान से दूर हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि एक चीज सोशल मीडिया पर जा रही है तो उसको लोग हर एंगल से देखेंगे और आपको अपनी बात करते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इसको किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। एंकर्स को न्यूज रूम में बैठकर मजा आता है बातें करने का, एयर कंडीशन कमरों में, आइए बाहर, आइए सोल्जर बाजार, लाइन एरिया, एबीसी लाइन, डॉक्टर साहब हमें नहीं पता आपको किस बात का गुस्सा है, आपको किस चीज का गुस्सा है, और आप जो कर रहे हैं आप हमें बता रहे हैं कि हम क्या करें और हमारे इदारे को क्या करना चाहिए। आपने बहरहाल आपका वक्त निकाला, आपने आपको उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपसे हम मजीद बात नहीं कर सकते, जो आपका रवैया है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, हम भी आपसे मजीद बात इस पर नहीं करना चाहते। आपने एक चीज सोशल मीडिया पर शेयर की है और उसके बाद वो चीज पब्लिक है, आप भी पब्लिक फिगर है और आप भी इसी पब्लिक को जवाबदेह हैं, क्योंकि आप इसी पब्लिक के बोर्ड पर आप यहां पर आए हैं और अब आप लाइन ड्रॉप कर गए। जब हमारी बोलने की बारी आई है तो आप लाइन ड्रॉप कर गए, माजरत के साथ, हमारे अंदर भी गुस्सा है, हमें भी दुख होता है। और आप अगर आपको पब्लिक का सवाल करना बुरा लगता है तो माजरत चाहते हैं कि सर आप इसी पब्लिक के वोट से इसी सीट पर आकर यहां पर आकर बैठे हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।